अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए प्रियंका गांधी हमेशा आगे रहती हैं। हिमाचल की जीत ने एक नई ताकत दी है, कांग्रेस में भी एक नई उम्मीद जगाई है, लिहाजा कांग्रेस भी उनकी बड़ी भूमिकाओं पर विचार कर रही है। इस सब के बीच में जब भी मौका मिल रहा है, प्रियंका राहुल के पक्ष में जोरदार भाषण दे रही हैं, अपनी बात को रख रही हैं। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के लिए एक खास मैसेज भी लिखा है और प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी को प्रेरक शब्दों से संबोधित करती हुई दिखाई दे रही हैं। कई मंचों पर वो हर जगह पर उन्हें एनकरेज कर रही हैं, उनको प्रेरणा दे रही है। वो छोटी बहन है, प्रियंका में उनकी दादी का अक्स देखा जाता है, प्रियंका में कांग्रेस की संभावनाओं को देखा जाता है। इसके बावजूद उन्होंने हमेशा राहुल गांधी को आगे रखा है। उनका ये कहना रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा था कि जिनके पास बड़ी डिग्रियां हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के से जिन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं, उनको पप्पू कहकर संबोधित किया जाता है, ये भी गलत है। प्रियंका गांधी का ये भाषण खूब वायरल हुआ, लोगों ने उनमें उनकी दादी इंदिरा गांधी की इमेज को देखा। अब कांग्रेस सचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर अपने भाई के लिए तारीफ के शब्द कहती हुई दिखाई पड़ी हैं। उन्होंने सिबलिंग्स डे यानी भाई बहन दिवस पर राहुल गांधी के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि उन्हें अपने भाई पर गर्व है जो अन्याय का सामना भी गरिमा के साथ करते हैं और चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए लेकिन सच से पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल दुनिया के विभिन्न हिस्सों में 10 अप्रैल को सिबलिंग डे मनाया जाता है जिसे भाई बहन दिवस कहा जाता है। सिबलिंग डे के इस अवसर पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट डाला। इस पोस्ट से उन्होंने कहा कि उन्हें अपने भाई पर गर्व है, वो पहले भी कह चुकी हैं कि मुझे तुम पर गर्व है। राहुल गांधी को हमेशा वो एक एनकरेज करती रहती है, प्रोत्साहित करती रहती है। राहुल ने सम्मान के साथ अन्याय को सहा है, ये बात भी प्रियंका ने कही। चाहे कितने भी वार उनकी पीठ पर किए गए, वो सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटेगा। आइए अब हम आपको बताते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी पोस्ट में और क्या कुछ लिखा है। इंस्टाग्राम पर प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंत में श्रीनगर में बर्फबारी में राहुल गांधी के साथ काम करने की एक तस्वीर पोस्ट की। आपको याद होगा वो दौर जब श्रीनगर भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी, तब भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी। वो वहाँ पर काफ़ी मस्ती करते दिखाई दिए थे। ये वो सहज पल होते हैं जो कार्यकर्ताओं को या उनके समर्थकों को काफ़ी पसंद आते हैं। एक तस्वीर को फिर से पोस्ट किया प्रियंका ने। इस तस्वीर के साथ उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, तो भाई बहन का दिन भी है, खैर ये मेरे इकलौते भाई के लिए है जिसके साथ इतना बुरा करने के बावजूद उनके भीतर अच्छाई और करुणा के लिए खड़े होने का साहस है। वो गर्व के साथ अन्याय का सामना करता है, चाहे लोग उसे छोड़ दें या उसकी पीठ में चाकुओं से वार करें, वो कभी भी सच बोलने से पीछे नहीं हटता। मुझे अपने भाई पर गर्व है और हमेशा रहेगा। तस्वीर में बर्फ में चलते दिखाई दे रहे हैं दोनों भाई बहन। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें दोनों भाई बहन भारी सर्दी के बीच में गियर पहने और बर्फ में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों भाई बहन के पीछे चल रहे किसी व्यक्ति द्वारा क्लिक की गई तस्वीर में राहुल गांधी अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखे दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट में प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी को प्रेरक शब्दों से संबोधित किया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रियंका गांधी ने राहुल के लिए अपार स्नेह जताया है। इससे पहले भी कई बार दोनों के बीच का लगाव खुलकर देखने को मिला है। वहीं राहुल गांधी भी कई बार अपनी बहन को मंच पर गले लगाते, उनका माथा चूमते नजर आए हैं। भाई बहन की इस जोड़ी को अक्सर ही एक दूसरे को गले लगाते, हंसी मजाक करते देखा जाता रहा है। इस साल की शुरुआत में भारत जोड़ो यात्रा के अंत में कांग्रेस ने एक मजेदार वीडियो भी शेयर किया था। इस वीडियो में राहुल और प्रियंका श्रीनगर के कैंप साइड में स्नोबॉल से लड़ाई करते हुए भी दिखाई दिए थे, मस्ती करते हुए भी दिखाई दिए थे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भी एक वीडियो साझा किया गया था जिसमें उत्तर प्रदेश के कानपुर हवाई अड्डे पर ये भाई बहन की जोड़ी एक दूसरे से मिलकर कुछ हल्के फुल्के पल व्यतीत करते दिख रहे थे। आइए अब हम आपको बताते हैं सिबलिंग डे क्या है। सिबलिंग डे यानी भाई बहन का दिन है या भाई भाई का दिन है, जब एक ही परिवार में दो बच्चे होते हैं या ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो सिबलिंग डे मनाया जाता है। हर विशेष अवसर के पीछे एक कहानी होती है और सिबलिंग डे मनाने के पीछे भी एक किस्सा छिपा है। साल 1995 में न्यूयॉर्क की एक पैरालीगल क्लाउडिया अवार्ड ने अपने भाई बहनों एलन और लिसिट के साथ अपने खास रिश्ते को मनाने के लिए सिबलिंग डे की शुरुआत की थी। दरअसल क्लाउडिया ने दो अलग अलग दुर्घटनाओं में अपने दोनों भाई बहनों को खो दिया था, लेकिन सिबलिंग डे के जरिए वो उन्हें याद करके सम्मान देना चाहती थी। तब से ही पूरी दुनिया में सिबलिंग डे मनाकर अपने भाई बहनों से अपने प्रेम का इजहार करने की ये परंपरा कई देशों में चलती आ रही है और भारत में भी अब ऐसे दिनों को मनाने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोई ना कोई डे होता है, तो
प्रियंका गांधी ने सिबलिंग डे पर अपने भाई को कुछ इस तरीके से याद किया। उनकी ये पोस्ट बड़ी भावुक है। बड़ा दिलचस्प पहलू है कि आप जब इन सिबलिंग को देखते हैं, यानी प्रियंका और राहुल को देखते हैं, तो आपको सिर्फ आज के दौर की तस्वीरें याद नहीं आती हैं, गुजरे दौर की भी कई तस्वीरें हैं। चाहे दादी के अंतिम संस्कार का वक्त हो, चाहे पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद का कठिन दौर हो, चाहे राजनीति में आने से पहले ही दोनों का बहुत छोटा, जिसकी वजह से सोनिया गांधी को बहुत लंबे समय तक राजनीति से दूर कर रहना पड़ा या वो परहेज करती रही, इसकी बहुत बड़ी वजह थी कि बच्चे बहुत छोटे थे। राहुल गांधी और प्रियंका दोनों ही अब एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। प्रियंका गांधी को लेकर उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि वो अब चुनावी राजनीति में भी उतरेंगी। हो सकता है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ती दिखाई दें या किसी अन्य महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़ती दिखाई दें। जिस तरह वायनाड में राहुल गांधी फोकस कर रहे हैं, अब ये स्पष्ट होता जा रहा है कि राहुल गांधी का फोकस और कांग्रेस उनको दक्षिण का ही चेहरा बनाना चाहती है उत्तर की राजनीति में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जहां पर कांग्रेस की स्थिति लगातार कमज़ोर हुई है। वहां से अभी फिलहाल या आगामी चुनाव में 2024 में राहुल को दूर ही रखा जाएगा, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा जताई जा रही है। और उत्तर प्रदेश का प्रभार जिस तरह से प्रियंका को दिया गया, हो सकता है इस चुनौतीपूर्ण जगह पर प्रियंका कांग्रेस के लिए ताल ठोकती दिखाई दें, खासतौर पर तब जबकि सोनिया गांधी एक तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स या चुनावी पॉलिटिक्स से दूर होती दिखाई दे रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से या बहुत लंबा समय उन्होंने राजनीति में दे दिया, बच्चों को आगे करना चाहती हैं। तो प्रियंका का चेहरा इस बार एक बड़े चेहरे के तौर पर सामने आए। इस सब के बीच में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रियंका राहुल गांधी को हर मोर्चे पर सपोर्ट कर रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार वो उनके साथ दिखाई दी हैं। जब राहुल गांधी की सांसदी गई तो प्रियंका ने बहुत मुखर होकर बाकायदा एक रैली को संबोधित किया। कांग्रेस के इस बड़े मंच से उन्होंने एक धुआंधार भाषण दिया, जहां पर कई लोगों ने इंदिरा गांधी के अक्स को उनमें देखा। अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में या उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां कांग्रेस की तरफ से दी जाती हैं, और अगर दी जाती हैं तो उन पर वो कितनी खरी उतरती हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि फिलहाल वो अपने भाई राहुल गांधी की सियासत को मजबूत करने में जुटी हुई हैं, और उनकी भावुक पोस्ट इसी की एक बानगी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।